दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी ने पिछले 48 घंटों के भीतर कितने करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, ये भी बात करेंगे कि साल 2022 में रिलीज होने वाली किन किन बॉलीवुड फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है एडवांस बुकिंग के मामले में ओपनिंग डे के हिसाब से। इन सारी चीज़ों को लेकर एक्सट्रीम लेवल पर कवर करेंगे, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं राउंड वन न्यूज। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले आप मेरे स्क्रीन पर एक लिस्ट देख सकते हैं। ब्रह्मास्त्र मूवी ने सिर्फ हिंदी बैच से ही 3,45,00,000 रुपये की एडवांस बुकिंग कर ली है। सबसे ज़्यादा इस फिल्म को लेकर रिस्पॉन्स 3D में देखा जा रहा है और उसके बाद IMAX में। 2D में काफी निचले स्तर पर इस फिल्म को लेकर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। कारण यह है कि इस फिल्म का VFX इतना जबरदस्त है कि लोग ज्यादातर इस फिल्म को 3D और IMAX में ही प्रेफर कर रहे हैं, इस फिल्म को देखने पसंद कर रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो इस फिल्म में 3D में तकरीबन 4,25,00,000 रुपए की टिकट सोल्ड हो चुकी है। जहाँ 3D वर्जन का जो टिकट है तकरीबन 4,25,00,000 रुपए की सोल्ड हो चुकी है, वहीं 2D में तकरीबन 9,00,000 रुपए की ही टिकट सोल्ड हुई है और वहीं IMAX में तकरीबन 73,00,000 रुपए की टिकट सोल्ड हो चुकी है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि IMAX का जो एवरेज टिकट प्राइस है वो 500 रुपए के अप्रॉक्सीमेट बताया जा रहा है और इस तरह से टोटल जो कलेक्शन देखने को मिल रहा है वो तकरीबन 5,06,00,000 रुपए है। महज 48 घंटों में इस फिल्म ने 5,06,00,000 रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली है इंक्लूडिंग ब्लॉक सीट मिलाकर, और वर्ल्ड वाइड देखा जाए तकरीबन 10 करोड़ प्लस का बिजनेस कर चुकी है एडवांस बुकिंग से। अभी भी रिलीज में 4 दिन बचे हुए हैं तो इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर और भी ज्यादा तबाही लाएगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें किन किन फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है, उसकी भी लिस्ट आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। सम्राट पृथ्वीराज जो कि 4,65,00,000 रुपए की ओपनिंग डे के लिए एडवांस बुकिंग करी थी, इस रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। शमशेरा जो कि 4,57,00,000 रुपए की एडवांस बुकिंग की थी ओपनिंग डे के लिए, और रक्षाबंधन जो कि 4,09,00,000 रुपए की एडवांस बुकिंग की थी, इन तीनों फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। वहीं भूल भुलैया 2, लाल सिंह चड्ढा और चुक चुक जियो, ये तीनों फिल्म बचे हैं जो कि अगले कुछ घंटों में इन तीनों फिल्मों के भी रिकॉर्ड को तोड़ के आगे निकल जाएगी। वैसे दोस्तों जिस रफ्तार से ये फिल्म एडवांस बुकिंग कर रही है ये आराम से 40 करोड़ प्लस का बिजनेस करेगी ओपनिंग डे पर, इसको लेकर ट्रेड एक्सपर्ट का मानना है, क्योंकि अभी भी रिलीज में 4 दिन बचे हुए हैं तो आगे चल के और भी अच्छी खासी एडवांस बुकिंग होती हुई नजर आएगी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है ये ओपनिंग डे पर कितने करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है, इस पर आपके क्या रिएक्शन हैं? साथ ही साथ आपको क्या लगता है ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो पाएगी? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में जो कि होगा आपके लिए काफी खास।